बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति काबू में है और 134 एक्टिव केस बचे हैं। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी की पदयात्रा पर कहा कि कांग्रेस नेता चुनाव से पहले दिखावा कर रहे हैं। वहीं ओबीसी के यूपी में सरकार बनाने के दावे पर कहा कि ओबीसी केवल जातीय राजनीति करते हैं, जनता उन्हें चुनाव में खारिज कर देगी। साथ ही बताया कि प्रदेश में जल्द ही गैंगस्टर एक्ट लाया जाएगा, जिसको लेकर तमाम प्रावधानों पर चर्चा हो रही है। कोरोना की नाक में नकेल डाले हुए है सरकार, और कहीं दस्तक उसे देने नहीं देंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। प्रतिदिन 70,000 से ऊपर टेस्ट मध्य प्रदेश में हम कर रहे हैं। कल भी हमने 70,430 सैंपल लिए थे मध्य प्रदेश के अंदर। कुल 5 नए केस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि ठीक होकर 11 लोग अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। 134 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कुल बचे हैं। संक्रमण दर को अगर हम देखें तो 0.007 संक्रमण दर है, और हमारे ठीक होने की स्थिति वही बनी हुई है 98.6। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्वयं मुख्यमंत्री उसको मॉनिटर करते हैं, वो ठीक है। लेकिन आपने कभी इनको हिंदू त्योहार मनाते देखा है? किसी को भी रक्षाबंधन पे भाई बहन राखी बांधते दिखे, कभी दिवाली मनाते दिखे? आप ही सोचना। कभी चुनाव के 12 महीने जाना चाहिए, हमेशा जाना चाहिए मंदिर, तो चुनाव में क्यों जाते हो? भगवान का भी उपयोग धर्म में करना अच्छा नहीं। वो देखिए जाति राजनीति करते हैं ये कुछ लोग, और कुछ दल ऐसे हैं जो सिर्फ जाति आधार पर चलते हैं। इनका स्वयं का कोई वेश नहीं है, स्वयं का कोई विचार नहीं है, स्वयं का कोई सोच नहीं है। ये सिर्फ जाति आधार पर ही चलते हैं। विभाजनकारी राजनीति कांग्रेस करती है, जाति की राजनीति ओबीसी करते हैं, और उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ओबीसी ने वो बयान दिया है। एक जाति से कभी कोई भी सरकारें नहीं बनती। दिग्विजय जी का भी आज